लड़कियों को कुछ ही दिनों में पाना है दुबलेपन से छुटकारा, तो आज ही फॉलो करें ये टिप्स। खराब लाइफ स्टाइल के कारण 10 में से 2 लोग मोटापे से परेशान हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो दुबलेपन से परेशान हैं। जिस तरह मोटापा आपकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है, उसी तरह दुबलापन भी आपकी खूबसूरती को ख़राब कर देता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ना ज़्यादा मोटा होना है और ना ज़्यादा पतला, बस आपको हेल्दी रहना है। इसके लिए आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा दुबले पतले शरीर पर कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लगती है। नंबर 1, अधिक से अधिक फलों का करें सेवन। फलों में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हर बीमारी से निजात दिलाने के साथ साथ शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है उसे पूरा करते हैं। इसलिए आप रोज़ाना फलों का सेवन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सप्ताह में 3 बार तो ऐसा ज़रूर करें। इसमें आप अनार, अमरूद, सेब, संतरा, पपीता, चीकू जो भी मिले वही खाएं। रस वाले फलों में संतरा, टमाटर, मौसमी का रस पिया जा सकता है। अपना पेट हर अवस्था में साफ रखें। सही टाइम पर यूरिन पास करें। नंबर 2, बदले नहाने का तरीका। शरीर के तापमान से थोड़ा अधिक गर्म पानी ही नहाने के लिए 3 दिनों तक इस्तेमाल करें। ऐसे पानी से रात के समय अवश्य नहाएं। इसके लिए सबसे पहले पैरों से नहाना शुरू करें, फिर इसे सिर तक ले जाएं। अपने पेट को सबसे बाद में मलें, फिर साबुन के साथ भी नहा लें ताकि मलने से जो मैल निकला है वह आराम से निकल जाए। नंबर 3, ज़रूर करें सुबह सैर। सबसे पहले जल्दी सुबह उठने की आदत डालें, इसके बाद खूब पानी पिएं और फिर उसके बाद ही टॉयलेट की ओर रुख करें। इसके साथ ही सुबह सुबह जॉगिंग जरूर करें। इससे आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहने के साथ साथ फिट रहेंगी। नंबर 4, खाली पेट पानी पिएं। रोज़ाना जॉगिंग करने से पहले 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पिएं। इससे आपकी पाचन क्रिया ठीक रहने के साथ साथ शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नंबर 5, हेल्दी नाश्ता खाएं। जितना हो सके नाश्ते में पराठा शामिल ना करें। रोज़ के नाश्ते में 4 टोस्ट, शहद या मक्खन लगाकर खाएं। इसके साथ दूध या संतरे का जूस पिएं। 1 या 2 मीठे फल खाएं, मगर ध्यान रखें कि खाना आपकी भूख के अनुसार ही खाएं। नंबर 6, चाय के बजाय दूध पिएं। मसाले कम और हरी सब्जियां या सलाद अधिक खाएं। दोपहर और रात के खाने में इन्हीं चीज़ों को शामिल करें। शाम के समय के वक्त दूध पिएं। 3 टाइम दूध पीने की कोशिश करें। याद रखें कि दूध ठंडा ना हो, इसमें शहद ज़रूर डालें। नंबर 7, फलों का रस पिएं। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए फलों का रस पिएं। इसमें विटामिन बी तथा कैल्शियम ले सकते हैं। जब तक दुबलापन घट न जाए तब तक फलों का रस दिन में 2 बार पिएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।